प्रवासी मजदूर और देश के सभी नागरिकों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, जिसमें प्रवासी मजदूर और देश के सभी नागरिक किसी भी राशन की दुकान से राशन खरीद सकते हैं तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर उन्हें बिना राशन कार्ड बदले किसी भी राज्य द्वारा राशन लेने की छूट दी गई है। इस योजना को केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान द्वारा 2019 में पेश किया गया था। इसे मार्च 2021 तक 20 राज्यों में लागू होना तय था, पर अब 2021 में इस योजना में 32 राज्यों और केंद्रों को जोड़ दिया गया है और आने वाले समय में बचे हुए 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। इस योजना को अब तक सिर्फ 9 राज्यों आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, केरल, तेलंगाना, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश में लागू किया जा चुका है। इस योजना को GST की तर्ज पर सभी केंद्रों और राज्यों में लागू किया जाना था। योजना में 5,05,00,000 राशन की दुकानें शामिल हैं। योजना को मार्च 2021 तक 20 राज्यों में लागू किया जाना था, पर अभी तक कई राज्यों में इसे लागू नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर राज्यों और केंद्रों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी श्रमिकों के कल्याणकारी उपायों को लागू करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब असंगठित क्षेत्र के मजदूर केंद्र और राज्यों की राहत स्कीम का फायदा उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे थे, तब मंत्रालय का उदासीन रवैया माफी के लायक नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश वैश्विक महामारी की स्थिति जारी रहने तक प्रवासी मजदूरों के लिए सामुदायिक रसोई का संचालित करें। कोरोना महामारी और लोगों को हो रही अनाज संबंधित समस्या को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को सभी राज्यों और केंद्रों में लागू किए जाने के निर्देश दे दिए हैं।